केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ स्वर्णा मिश्रा। गोड्डा की खास खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं गोड्डा की खास खबरें। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के विरोध में न्यायिक कार्यों से अलग रहे अधिवक्ता। गोड्डा प्रदेश सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में कोर्ट फीस में हुई बढ़ोतरी के विरोध में शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय ने अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से अलग रहे। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव योगेश चंद्र झा ने कहा कि झारखंड बार काउंसिल रांची के आह्वान पर शुक्रवार एवं शनिवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कोर्ट फीस की कीमत में बेतहाशा वृद्धि की गई है, इससे गरीब जनता के समक्ष आर्थिक परेशानी बढ़ गई है। इसको लेकर झारखंड बार काउंसिल ने सरकार के समक्ष बात रखी है तथा बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए यह कदम उठाया गया है। इधर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से अलग रहने से मुवक्किलों को केस की पैरवी करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केस की पैरवी के सिलसिले में न्यायालय पहुंचे मुवक्किलों ने परेशानी बताते हुए कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों से अलग रहने के कारण बल, गवाही सहित अन्य कार्यों पर विराम लग गया है, इससे परेशानी बढ़ी है। कोर्ट पहुंचे अधिवक्तों को काम नहीं करने के कारण बातचीत करके ही संतोष करना पड़ रहा है। उन्नत खेती को लेकर युवाओं का परीक्षण जारी। गोड्डा ग्रामीण विकास टेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में ग्रामीण युवक युवतियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को कृषि प्रचार वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश दुबे ने ग्रामीण युवक युवतियों को उन्नत सब्जी उत्पादन तकनीक, नर्सरी की तैयारी, जैविक खेती की परिभाषा, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, टपक सिंचाई, मधुमक्खी पालन, पोषण वाटिका तैयार करने की विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि ग्रामीण युवक युवतियों पर घर पर ही मौसमी सब्जियों के बिछड़े, फलों के पौधे, शहद एवं केचुआ खाद तैयार करके बाजार में बेचकर लाभ कमा सकते हैं। मौके पर अनिल भगत, सुनील कुमार महतो, अमर कुमार, मगेंद्र मंडल, संजय मंडल, प्रभास कुमार, संतोष कुमार, फंतुष कुमार, सोनम कुमारी, फूलवती देवी, अनीता देवी, कविता देवी, संगीता कुमारी आदि युवक युवतियाँ प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए। भाषण में रश्मि तथा पेंटिंग में दिव्या रही पहले स्थान पर। गोड्डा स्थानीय महिला महाविद्यालय में युवा दिवस के उपलक्ष्य पर सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र सेवा योजना के बैनर तले शुक्रवार को महाविद्यालय स्तरीय भाषण एवं पेंटिंग प्रतियोगिता NSS के चारों इकाइयों में संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गयी। भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक प्रोफेसर संजय यादव एवं डॉक्टर सुधी वत्सव एवं पेंटिंग प्रतियोगिता के निर्णायक डॉक्टर ब्राजेश मिश्रा थे। भाषण प्रतियोगिता में रश्मि भारती प्रथम रही, द्वितीय स्थान पर लिपि वत्सव एवं तृतीय स्थान पर तरनुम रही। पेंटिंग में दिव्या साची प्रथम, गौरी कुमारी द्वितीय एवं महनाज परवीन तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य किरण चौधरी ने की। राष्ट्र सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर सुमन लता, प्रोफेसर रेखा कुमारी, डॉक्टर सावरा तबस्सुम एवं प्रोफेसर नूतन झा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुए। उप विकास आयुक्त की योजनाओं की जांच। विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं, DDC। गोड्डा जिला के उप विकास आयुक्त संजय कुमार सिन्हा के द्वारा शुक्रवार को पत्थरगामा प्रखंड अंतर्गत पारस पानी, बोहा एवं पीपरा पंचायत के कई योजनाओं की जांच की। जांच के दौरान प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों को साफ तौर से कहा कि जल्द आवास का कार्य पूरा करें, अन्यथा सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। मनरेगा एवं जल छाजन के योजनाओं में भी सुधार करने का निर्देश कर्मियों को दिया। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कनीय अभियंता रोजगार सेवक को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि योजनाओं का सही चयन कर जल्द से जल्द कार्य को पूरा करें। आम बागवानी के कार्य को देख उप विकास आयुक्त ने काफी सराहना की। कड़ाके की ठंड में भी उप विकास आयुक्त के आने के बाद प्रखंड के सभी कर्मी पहुंचे। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल कुमार सहित प्रखंड के सभी कर्मी मौजूद थे। विद्यार्थियों को तंबाकू जनित पदार्थों के सेवन से दूर रहने की दी गई सलाह। गोड्डा
एनसीडी सेल गोड्डा इकाई द्वारा तंबाकू एवं तंबाकू जनित पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक किए जाने एवं उन्हें इनके लत से दूर रहने के उद्देश्य से लगातार स्कूल कैंपिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ठाकुर गंगटी प्रखंड अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय खरखोदिया एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुरपट्टी तथा सदर प्रखंड के मुख्यालय अवस्थित बाल विकास विद्यालय में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक की उपस्थिति में सीएचओ शांति खालको, अलका तिग्गा, श्वेता तिर्की, मुनमुन अंसारी एवं भाग्यशील के द्वारा तंबाकू के सेवन से होने वाले सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक दुष्प्रभाव की जानकारी दिए जाने के साथ ही विषयक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। इसके साथ ही तंबाकू निषेध शपथ के द्वारा तंबाकू त्यागने और प्रयोग ना करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। इसके अलावा स्कूल के बाहर 100 गज की दूरी पर बेचे जाने वाले नशीले पदार्थों को रोकने के लिए दुकानदारों से बात कर उन्हें भी सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूकता लेने का प्रयास किया गया। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल किरांचल टाइम्स के साथ बने रहें। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कहा ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।